हम यहाँ पर आए हैं, हम ओबीसी डाइवोर्स, ईडब्ल्यूए डाइवोर्स, एमबीसी डाइवोर्स लड़कियाँ हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सब दो गुना कट ऑफ में जब रिजल्ट जारी हुआ था उस टाइम 44 गई थी मेरिट, और ईडब्ल्यूएस की 16 थी, ओबीसी की 44 थी और एमबीसी की कितनी थी, एमबीसी की भी कुछ इतनी ही थी, 111 थी, 11 थी, 18 थी एमबीसी की, और फाइनल जो कट ऑफ आई है एक गुना में ओबीसी की आई है 150, जो 44 से 150 पे उछाल कैसे खाई है, तीन गुना से भी ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस की 16 पे थी, 9 गुना ज्यादा 149 पे, तो इतनी कैसे गई है कट ऑफ। और सीटें सिर्फ 57 ओबीसी में डाइवोर्स की, और उन्होंने प्रोविजनल में 62 लड़कियों को किया है, तो उन्होंने सेलेक्ट किसको किया है, किस हिसाब से उन्होंने मेरिट निकाली है? आचार संहिता लग जाएगी एक महीने बाद में, 4-5 तारीख से, उसके बाद हम क्या करेंगे ये बताओ आप। तो पहले तो आप कोर्ट बोर्ड से ये मान्यता करो कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें, जिससे हम लोग जल्दी फ्री हो। हमसे पहले वाले ऑलरेडी ज्वाइनिंग है, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदर से वो दिक्कत होती है यार। फरवरी में परीक्षा दी थी, 19 फरवरी को हमारी परीक्षा थी, आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आयोग हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, लेकिन हमको रिजल्ट जारी करके नहीं दे रहा है। आज का युवा बहुत परेशान हो चुका है, ये छात्र मेरे बहुत दूर दूर से आए हैं और परेशान हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आज की तारीख में रिजल्ट जारी हो, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कि हम ओबीसी डाइवोर्स, मतलब हम सारी लड़कियां कोई एमबीसी डाइवोर्स, ओबीसी डाइवोर्स, ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स इससे हैं। अब हमारा जो दो गुना का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें ओबीसी में गई थी 44%, और अभी जो गई है वो गई है 150, इसका मतलब 3 गुना से ज़्यादा ये हो गया। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 16 गई थी पहली लिस्ट में, और अभी गई है 146, इसका मतलब हुआ 9 गुना इसका। तो एक बात बताओ कि जितनी सीटें थी, अगर उनके पास ऑलरेडी पहले से ही कैंडिडेट थे तो इतनी कम उन्होंने दी क्यों? तत्काल रूप से रिजल्ट जारी, वो 15 गुना का सीटी का पता चले, ताकि कौन पास है या कौन फेल है ये पता नहीं चल रहा अभी तक। तो सचिव साहब ने बोला कि एग्जाम के एक महीने पहले जारी किया जाएगा, ये कौन सा उचित है सर, आप बताओ। सीटी का एग्जाम लिए जब एक साल जनवरी 2023 में एग्जाम हो गया था, अभी तक उसका 15 गुना का। फिर हमने बोला कि सर एग्जाम लगाओ हमारा, तो कि पहले सितंबर 22 में था, 2022 में एग्जाम की था जूनियर अकाउंटेंट की, फिर 23 सितंबर में था, और आज सर ने बोला है कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। हमारी एक ही मुख्य मांग है, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बोला, कि बोले एग्जाम का कोई भी नहीं है, अभी कैलेंडर जारी होगा उसमें देखा, आप खुद देख लेना। एसओ जी ने पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक नहीं था, उसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इस रिजल्ट को जारी नहीं कर रहा है, और हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है सर। 19 फरवरी 2023 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी, 8 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड के कान पे जू नहीं रेंग रही है सर।